अस्सलामुअलैकुम। नूर किचन दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। उसकी रेसिपी देखने के लिए आप पूरी वीडियो देखें। चले चलते हैं, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गोश्त ले लिया है 1 किलो। इसको मैरिनेट करेंगे। उसके लिए प्याज 4 बड़े बड़े काट लिया है, इसको डाल देंगे। दो चम्मच, बड़ी चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये 150 ग्राम दही है, इसको भी डाल देंगे। 2 चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 2 चम्मच छोटी चम्मच से तेल डाल देंगे सरसों का। अब इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे पूरे को। अब इसको सारे को मसाले को मिक्स कर दिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। गैस जला लिया है हमने, और भगोना चढ़ा दिया है। आज भगोने में बनाएंगे। तेल डाल दिया है 2 बड़े चम्मच, 4-5 आलू है बड़े बड़े, उसको हमने काट लिया है, बड़े बड़े पीस बना लिया है, इसको काट के धो लिया है। इसको फ्राई करना है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करके निकाल लेंगे। हम भूल गए थे, 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। ऐसे नमक इसमें फ्लेवर्स हो जाएगा। नमक डाल के फ्राई करने से आलू में नमक चला जाता है। उसमें आलू डाल दो ना फ्राई करके, बहुत अच्छा बनता है। देखिए फ्राई हो गया, अब निकाल लेंगे। इसी तेल में प्याज को फ्राई कर लेंगे। 2 प्याज है बड़े बड़े, बिरयानी करना है। प्याज लाल हो गया है, अब निकाल लेंगे इसको। बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा है, 4-5 काली मिर्ची है, 4-5 लौंग है, 2 साबुत मिर्ची, ये तेज पत्ता, ये सबको इसमें डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें गोश्त। गोश्त डाल के 4 से 5 मिनट तक भूनते रहेंगे। इस तरीके से बनाने से गोश्त बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है। दो मिनट के लिए ढक देंगे इसको। 2 मिनट हो गया है।
तक इसका पानी न सूखे, जब तक भूनते रहेंगे इसको। प्याज का पानी है, देखिए भुना गया। अब इसमें पानी डाल देंगे गलने के लिए। देखिए गरम पानी कर लिया है मैंने, गरम पानी डाल देंगे। भगौना में थोड़ा देर से गोश्त गलता है, कुकर में तो जल्दी 4-5 सीटी में गल जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है गलने में, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। ढक देंगे 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के बाद खोल के देखेंगे। 20 मिनट हो चुका है, चलिए खोल के देखते हैं। प्याज जो लाल किया था मैंने, इसको डाल देंगे। इसी तरह ढाक ढाक के भूनेंगे, हर 1-2 मिनट पर खोल खोल के ढाकेंगे, भूनेंगे। कितना अच्छा गोश्त भुना दी। देखिए इसमें आलू डाल देंगे, गोश्त भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे पानी ग्रेवी के लिए। गरम पानी था वही डाल दिए हम, दो मिर्ची डाल देंगे, कट लगा दिया 20 से, हरी धनिया डाल देंगे। आधा चम्मच और गरम मसाला डाल देंगे ऊपर से। आलू थोड़ा बहुत कसर है अभी, इसमें गल जाएगा ग्रेवी में, के बाद बंद कर देंगे। देखिए गोश्त तैयार हो चुका है बनके, आलू गोश्त। देखिए आपको जितना ग्रेवी रखना है उसी हिसाब से ग्रेवी रखिएगा, हमें इसी तरह ग्रेवी रखना है। तो हम गैस बंद कर देंगे, आलू भी गल गया अच्छे से, तो हम बंद कर देंगे इसको। देखिए हमारा आलू गोश्त बनके तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छा बना है। और इस तरीके से बनाइए, बहुत स्वादिष्ट होता है बनके तैयार, मज़ेदार की बनती है। और इसी तरीके से ज़रूर बनाएं आप एक बार, और बना के ट्राई करें। और पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।